अनुज जी यहीं से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार में आज निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है। कल को हमने देखा था कि जो प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा डाउन जाते नजर आए थे, वहीं आज देख रहे हैं कि ग्वार गम में 5% से ज्यादा का और ग्वार सीड में 4% का ओपी सर्किट लगता नजर आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार में तेजी बनती नजर आएगी या फिर यहाँ से एक बार फिर से करेक्शन आएगी? देखिए ग्वार सीड ग्वार का मैं एक काफी लोअर लेवल पे चला गया था, ओवरसोल्ड जोन में था, जहाँ पर हमने अच्छी रिकवरी देखी है। मंडियों के अंदर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है निचले स्तर होने की वजह से। हमें लगता है कि अभी फिलहाल ये हफ्ता एक पॉजिटिव बायस में क्लोज हो सकता है और वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि अगेन 5900 से लेकर 6000 तक के लेवल ग्वार सीड में और ग्वार गम में करीबन 10700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 100 से 200 रुपए की तेजी ग्वार सीड में देखी जा सकती है। खरीदारी दोबारा से लौटती हुई दिखाई दी है और जो क्रूड में तेजी आई है उसकी वजह से भी हमने ग्वार सीड ग्वार गम में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल एक हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से भावों में तेजी का रुख रहेगा, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। जी, तो यानी कि ग्वार गम ग्वार सीड में अभी शॉर्ट टर्म में एक बार फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है, अनुज जी द्वारा खरीदारी का ट्रेड लेके चला जा सकता है।